हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, और आज मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 कि आप सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल 1 से 2 मिनट में यहाँ पे बताऊंगा। व्हाट इज सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड? तो सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट। वेक्टर फील्ड A vector field F is equals to F1i, F2j, F3k is said to be solenoidal vector field if divergence of f is equals to zero. This means that del dot f is equals to zero, and del ki value hoti hai kyunki kya? It's I del by del x plus j del by del y plus k del by del z into dot product of f. F means f 1i plus F2J plus F3K। तो अब जब हम ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट डेल एफ वन बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाय डेल वाई एंड डेल एफ थ्री बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स दैट कि अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस निकालें और वो जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो वेक्टर फील्ड है वो सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है। और ये छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों, जो कि आपको छोटे क्वेश्चंस में काम आ सकती है। सोलेनोइडल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी बॉडी को जितना हमने एनर्जी या फ्लक्स दिया, उसने उतना ही एनर्जी या फ्लक्स बाहर निकाल दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, तो हम उसको कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। और यदि वो अपने पास कुछ रख लेता और कुछ अमाउंट ही बाहर निकालता, तो उस केस में उस वेक्टर फील्ड को सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड नहीं कहते हैं, ठीक है ना? तो दैट्स ऑल इन दिस शॉर्ट डेफिनेशन के सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।